हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनीबडी कैन लर्न जीके। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग आज जो है जून के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं इसके अंदर मैंने 40 से 50 क्वेश्चन जो उठाए हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे और आने वाले पंजाब के काफ़ी एग्जाम में हेल्प करेंगे, जैसे पीपीएससी है और पटवारी की नोटिफिकेशन भी जल्दी आने वाली है, तो पंजाब के जितने भी क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं उनमें आपको जो है हेल्प करेगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं, अदरवाइज मैंने कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं उठाए हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री गॉट मोर वोट्स टू बिकम ए मेंबर ऑफ यूएनएससी। यूएनएससी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो इंडो पैसिफिक रीजन था उसके अंदर कैंडिडेट जो थे दो थे, इंडोनेशिया और मलेशिया, और यूनाइटेड स्टेट की जो असेंबली है, जनरल असेंबली है, उसके अंदर इसके लिए वोटिंग होती है। और यूएनएससी का मेंबर जो है हर दो साल बाद जो है चुना जाता है, यानी कि हर दो साल बाद मान लीजिए कोई भी मेंबर बना है तो उसकी जो टर्म है वो दो साल की है, दो साल के बाद जो है मेंबर चेंज होगा। तो इसके अंदर जो है जनरल असेंबली के अंदर जो है इंडोनेशिया को ज़्यादा वोट मिला है, दैट मीन्स अब यूएनएससी का मेंबर जो है यूएनएससी का मेंबर इंडोनेशिया बन गया है। इसके बाद में चार और कंट्री अलग बने हैं लेकिन ये हमारे एशिया से रिलेटेड है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसने हराया किसको असेंबली के अंदर, इसने हराया मालदीव्स को। तो जो अब मेंबर बना है वो बना है इंडोनेशिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 जो G7 सम्मिट है 2019 के लिए, 2019 के लिए वो कहाँ पे होगी। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा चीज़, 2019 के लिए होगी फ्रांस में, और कनाडा में जो हुई है वो हुई है 2018 की, यानी कि जो अभी रिसेंटली हुई है, रिसेंटली 18 में, और अगली जो होगी वो फ्रांस के अंदर होगी। ये चेक कर लीजिएगा, 2018 पूछा है, 19 पूछा है या 17 पूछा है, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद है, NTPC हैज़ अडोप्टेड विच मोन्यूमेंट अंडर स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस प्रोजेक्ट, यानी कि NTPC ने कौन सा मोन्यूमेंट उठाया है अंडर स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैंने इसकी फोटो भी लगाई है, तो ये बनाया है चार मीनार को जो है इन्होंने अडोप्ट किया है, और जो दिल्ली का रेड फोर्ट है वो डालमिया ग्रुप ने जो है अडोप्ट किया हुआ है, ठीक है। और हो सकता है कि क्वेश्चन जो है आया है तो बनाया किसने था ये, तो ये बनाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाया था, मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, आप लोग साथ में नोट्स बनाते रहिए और लिखते रहिए साथ में कि क्या चीज़ क्या है। तो ये जो है इसका आंसर जो होगा ये होगा चार मीनार। उसके बाद है, द इनफॉर्मल समिट विद चाइना वॉज हेल्ड एट, जो चाइना हाथ जो इन्फॉर्मल समिट हुई थी ये हालांकि PPSC के कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एग्जाम में आया भी था, तो ये हुई थी वुहान के अंदर, और सोची हाथ जो जहाँ पे सोची में हुई थी वो हुई थी रशिया के साथ इन्फॉर्मल समिट। इन्फॉर्मल समिट में बेसिकली जो है जो बातें आपस में होती हैं वो ज़्यादा मीडिया के ऊपर जो है एजेंडा जो है बताया नहीं जाता कि हमने इस टॉपिक के बारे में बात की, पर अदरवाइज जो भी काम होता है सब मीडिया के सामने होता है और वर्ल्ड वाइड वो चीज़ जो है पब्लिश की जाती है कि आज इस देश के बीच में संधि हुई या नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब चीज़ें आती हैं, लेकिन मीडिया के अंदर इसके बीच में क्या बात हुई वो नहीं आती हैं। उसके बाद है ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम बेसिकली ये जो बेस करते हैं टेनिस के ऊपर बेस करते हैं, क्योंकि इसको जो है ये चार जो हैं ग्रैंड स्लैम होते हैं साल के अंदर, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन जो हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है मेलबोर्न में, ये मैंने सब कुछ लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं कि अगर ये पूछे कहाँ होते हैं तो ये भी हम लोग देख सकते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है वो जीता है रोजर फेडरर ने जीता है, और फ्रेंच ओपन जीता है राफेल नडाल ने जीता है। जो नेक्स्ट अभी दो होंगे उसके बाद जो है इनके आंसर आ जाएंगे, तो फिलहाल आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ना मेंस कैटेगरी ज़्यादा पूछी जाती है एग्ज़ाम के अंदर, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो मैंने आपको बता दिए हैं अगले जो होंगे वो जब आएंगे उसका मैं आपको रिकॉर्ड दे दूंगा। उसके बाद है फीफा विश्व कप जो है कहाँ होने वाला है, यानी कि जो 2018 का कहाँ होगा, 22 का कहाँ होगा, 26 का कहाँ होगा, अब तो सब कुछ आ चुका है। तो 2018 का होगा रशिया के अंदर, जो कि अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर ये तो है नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट गेम होंगी, फाइनल के अंदर पूछा जाएगा कि कौन जीता था, फाइनल का स्टेडियम कौन सा है, कौन कौन सी टीम खेली हैं, क्या रिकॉर्ड रहा है, कितने से कौन जीता है, तो ये चीज़ जो है ध्यान रखनी है अपने को। और जो 22 के अंदर होगा वो होगा कतर के अंदर, और 2014 के अंदर जो हुआ था ब्राज़ील के अंदर उसका जो विनर था जर्मनी था, और अब तो 2026 का भी डाटा आ चुका है, जो 2026 का वर्ल्ड कप होगा, फीफा वर्ल्ड कप होगा फुटबॉल का, वो होगा US, कैनेडा एंड मैक्सिको में, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर जो है होगा 2026 का। तो कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, तो एग्जामिनर की मर्जी है कि क्या क्वेश्चन पूछेगा वो। उसके बाद है विच कंट्री हैज़ वोन वुमेन्स एशिया कप, तो जो वुमेन एशिया कप है यानी कि क्रिकेट के अंदर वो किसने जीता है, तो वो जीता है बांग्लादेश ने जीता है। हालांकि डिफेंडिंग चैंपियन जो था इंडिया था, इंडिया अब तक लगातार 6 बार जो है एशिया कप जीत चुका है, लेकिन अब की बार जो है बांग्लादेश का जीत गया है, और ये हुआ कहाँ पे था, ये हुआ था कोलालंपुर जो कि मलेशिया की कैपिटल है, तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। अगर पूछें कि फाइनल किसके साथ था, फाइनल था इंडिया के साथ, क्योंकि काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग मैच था, तो इंडिया जो है 6 टाइम चैंपियन है और ये बांग्लादेश जो है पहली बार ही जीता है ये। उसके बाद है इंडिया बीट्स विच कंट्री टू विन इंटरकॉन्टिनेंटल कप टाइटल, यानी कि इंडिया ने किसको हरा कर जो है इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है, तो इंडिया ने हराया है केन्या को, 2-0 से इंडिया ने जो है मुकाबला जीता था।
तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा केन्या। उसके बाद है हु गोट द पोलियम रिगर ट्रॉफी यानी कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जो कि ये अवार्ड जो है ये बीसीसीआई देती है। तो जो पोलियम रिगर अवार्ड मिला है, ट्रॉफी मिली है, तो वो मिली है नन अदर देन विराट कोहली को। ये मैंने फोटो भी इनकी लगाई है, जो बंदे क्रिकेट नहीं देखते हैं हालांकि उनकी फोटो देख के जो है पहचान सकते हैं उनको। बेसिकली आजकल हर कोई आदमी क्रिकेट देखता है इंडिया के अंदर, बट कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्रिकेट से इतनी दिलचस्पी नहीं होती है, फुटबॉल में होती है, कई बार तो किसी स्पोर्ट्स में होती ही नहीं है, तो उनके लिए मैंने जो है फोटो लगा दी, हालांकि कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा उन्होंने इनको। तो इसका आंसर है विराट कोहली। और जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है उसको बोलते हैं सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये मिला है अंशुमन गायकवाड़ को और सुधा शाह को। इन्होंने जो है हमारी जो वुमेन टीम है वहाँ खेली हैं, और ये जो है मेन टीम में खेले हुए हैं, ये पहले की बात है। तो इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। विच कंट्री विल होस्ट 11th ग्लोबल हिंदी मीट, यानी कि कौन सा देश 11वीं वैश्विक हिंदी बैठक आयोजित करेगा। तो ये देश है मॉरिशियस। मॉरिशियस एक बेसिकली आइलैंड कंट्री है, और इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस। कैपिटल वगैरह भी ना आप साथ साथ लिखते रहा कीजिए। ये जो है इंडिया के साउथ में पड़ता है, मालदीव्स के नीचे, क्योंकि मालदीव्स भी एक टेरिटरी है इंडिया की। तो इसका आंसर क्या होगा 11वें का, मॉरिशियस। उसके बाद है हु वोन मैन बुकर्स इंटरनेशनल अवार्ड 2018, इनके मैन बुकर्स जो है 2018 का पुरस्कार है वो किसने जीता है। तो ये जीता है ओल्गा टोकारजक ने, और ये जो है पोलैंड की रहने वाली है, पोलैंड की, ठीक है। उसके बाद जो है डेविड ग्रॉसमैन को जो मिला था 2017 के लिए मिला था, और हैनकैंक को मिला था 2016 के लिए। बेसिकली पूछेंगे एग्जाम के अंदर ओल्गा टोकारजक के बारे में, जिन्होंने लेटेस्टली जीता है। और जिनकी बुक का नाम है वो है फ्लाइट। बुक पूछे तो बुक का नाम भी मैंने आपको बता दिया है, और किसको मिला है, तो वो मिला है ओल्गा टोकारजक को। उसके बाद है व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसेंटली हेल्ड इंडिया नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी कि इंडिया और नेपाल में जो अभी फिलहाल मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है सूर्य किरण। सूर्य किरण का जो है 13वां एडिशन हुआ था, यानी कि 13वां एडिशन जो था चल रहा था। और संप्रीति जो करते हैं हम लोग करते हैं वो बांग्लादेश के साथ। ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए कि संप्रीति किससे करते हैं, क्योंकि एक बार अभी इसका हुआ था जो हिमाचल प्रदेश का पीसीएसई एग्ज़ाम हुआ था तहसीलदार के लिए, तो उसमें क्वेश्चन ही आया हुआ था संप्रीति वाला। सिलेक्ट करते हैं हम लोग श्रीलंका के साथ। हमें ध्यान क्या रखना है इसके अंदर, कौन सी एक्सरसाइज पूछी है, नेवल पूछी है या एयरफोर्स पूछी है, मिलिट्री पूछी है। कई बार इसमें बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं और कई बार गलत जो है मार्क कराते हैं। उसके बाद है हु इज़ ऑनर्ड विद नेकई एशिया प्राइज़। तो ये मिला है नेकई एशिया प्राइज़ जो मिला है, ये मिला है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को, क्योंकि इन्होंने जो है काफ़ी जगह पर जो है इंडिया के अंदर सुलभ शौचालय बनाए हैं, सुलभ शौचालय, सो दैट के लोगों को जो है दिक्कत जो है ना आए। तो इसीलिए इनके इस सोशल वर्क को देखते हुए ही तो इनको जो है, ये जापान का अवार्ड है बेसिकली, तो नेकई एशिया प्राइज़ जो मिला है ये मिला है डेवलपमेंट के लिए, सोशली डेवलप किया इन्होंने एरिए को, तो ये मिला है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को। उसके बाद है सुजात बुखारी हु वॉज शॉट डाउन अ फ्यू डे बैक बिलोंग्स टू, ये ना जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, कई दिन पहले इनको गोली मार के हत्या कर दी थी, और ये थे एक जर्नलिस्ट, और इनका जो अखबार था उसका नाम था राइजिंग कश्मीर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा था कि इनको जो है लश्कर ए तैयबा की, जिनको LET बोलते शॉर्ट फॉर्म में, उनके जो है आतंकवादियों ने इनको जो है मारा है। हालांकि तो ये काफ़ी एग्ज़ाम के अंदर इंपॉर्टेंट है, मतलब कि न्यूज़ में आया हुआ तो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। और एक आजकल जो नाम है गौरी लंकेश, ये नाम भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, क्योंकि इनके ऊपर भी जो है, इनको भी, ये भी पत्रकार थे, ये भी जर्नलिस्ट थे एक, जो कि कर्नाटका में इनको गोली मार के इनकी हत्या की गई थी। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है इनकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बिठाई है, तो उसके रिजल्ट क्या होंगे वो बाद की बात है, लेकिन हमें एग्ज़ाम के लिए जो देखना है वो ये है कि सुजात बुखारी इंपॉर्टेंट है, जर्नलिस्ट थे, और अगर गौरी लंकेश के पूछे बारे पूछे तो वो भी जो थे जर्नलिस्ट ही थे। उसके बाद है 106th इंडियन साइंस कांग्रेस विल बी हेल्ड एट, यानी कि 106वां जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस होगी वो कहाँ होगी, तो ये होगी जलंधर के LPU के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि PPSC का एग्जाम आ रहा है, तो शायद हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए। लास्ट जो हुई थी वो मणिपुर के अंदर हुई थी, और जो इस बार की थीम थी वो क्या थी, फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब ये जो लास्ट बार हुआ था उस वाले की थीम, क्योंकि ये तो अभी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, तो लास्ट वाले की थीम जो थी वो थी फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद है हु विल बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू अपियर इन किया सुपर लीग इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में किया सुपर लीग में उपस्थित होने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बनेगा। तो जो पहले बनेंगे, ये ना जैसे हमारे इंडिया के अंदर IPL होता है ना, उस तरह से किया सुपर लीग जो है इंग्लैंड के अंदर होने वाली है, और जो वहाँ से हमारे फर्स्ट प्लेयर चुने गए हैं वो चुनी गई है स्मृति मंधाना, और सेकंड चुनी गए हैं, ये कल ही चुनी गई थी,
सेकंड जो है हरमनप्रीत कौर हैं, ये पंजाब से बिलोंग करती हैं। इनको अभी पंजाब गवर्नमेंट ने जो है डीएसपी भी बनाया था, क्योंकि इन्होंने काफ़ी वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। इन्होंने एक इनिंग में 175 जो है रन मारे थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हमारे पंजाब से बिलोंग करती है हरमनप्रीत कौर, और ये जो है सेकेंड प्लेयर बनी है। फर्स्ट प्लेयर कौन है? फर्स्ट प्लेयर है स्मृति मंधना, स्मृति मंथाना या मंथना बोल लीजिए। और सेकंड प्लेयर जो बनी है वो बनी है हरमनप्रीत कौर, क्योंकि आज का यह है, ये मैं नेक्स्ट मंथ का जो करंट अफेयर होगा उसके अंदर लेके आऊँगा, तो इस चीज़ का आप लोग अब ध्यान रख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ए इंडियन एयरफोर्स फाइटर पायलट फ्रॉम साउथ इंडिया? साउथ इंडिया से कौन से जो है पहली महिला वायुसेना पायलट मिली हैं, जो कि लड़ाकू पायलट को चलाएंगी, इनके लड़ाकू विमान को चलाएंगी? तो ये बनी है साउथ इंडिया से मेघना सनबाग, और ये भी कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। और अगर ये तो बात है साउथ इंडिया की, अगर बात करें इंडिया की, तो टोटल इंडिया से बात करें तो ये जो है छठी जो है वुमेन पायलट रहेंगी। अगर पूछा जाए साउथ इंडिया से, तो ये होगा मेघना सनबाग, कर्नाटका से, जो बेसिकली बेंगलोर से बिलोंग करती हैं। उसके बाद है कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया? तो जो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं इवान डुक्यू मोरकेस, और ये किसकी जगह लेंगे? ये लेंगे जुआन मैनुअल सेंटोस की जो है ये जगह लेंगे। और जुआन मैनुअल सेंटोस का नाम क्यों आया था न्यूज़ में? क्योंकि इनको 2016 का नोबल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जो अब बने जो हैं, क्योंकि कईयों को कन्फ्यूजन रहता है यही बोलते हैं, लेकिन अब जो नए इलेक्ट हुए हैं वो हैं इवान डुक्यू मोरकेस, इस चीज़ को आप लोग मार्क कर लीजिएगा। हालांकि अगर आपने पहले भी करंट अफेयर पढ़े हैं तो आप लोग पहले इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा, और खुद से ना हो तो फिर जो आप वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू कीजिएगा, और नोट्स हो सकता है तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती, अपने जाकर अपने नोट्स बनाते रहिए। और मैंने ना भी एक टेलीग्राम पोस्ट स्टार्ट किया, टेलीग्राम मेरा मैंने वहाँ पर एक पेज बनाया है, आप लोग मेरे को वहाँ फॉलो कर सकते हैं अगर आपको लेटेस्ट एडिशन चाहिए, लेटेस्ट जो है अपडेट चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है करंट अफेयर के बारे में। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी और उस पर भी, क्योंकि मैं उस पर भी क्वेश्चन जो है डालता रहता हूं। उसके बाद है IRDAI हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड विच कमेटी टू रिव्यू रेगुलेशन गवर्निंग द इंश्योरेंस मार्केट फर्म? इनके IRDAI ने जो है मार्केट रिफॉर्म के लिए कौन सी, उसकी रेगुलेशन को चेक करने के लिए बेसिकली, कि क्या काम कर रही है, क्या चीज़ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई है? तो ये बनाई है सुरेश माथुर कमेटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमेटी जो है जो स्टेट लेवल एग्जाम होता है ना, PSC होता है या PCS होता है किसी भी स्टेट के लिए, तो कमेटीज ना इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो कि करंट अफेयर के अंदर काम कर रही होती हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंट एज द मेयर ऑफ सैन फ्रांसिस्को इन USA? तो जो अभी अपॉइंट हुई हैं उनका नाम है लंडन ब्रीड, इसको रिप्लेस करेंगी मार्क फेरल को, ये मैंने इनकी फोटो भी निकाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली श्वेत महिला है, पहले वो तो महिला है ऊपर से अश्वेत महिला है, क्योंकि जैसे बराक ओबामा थे वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, इसी तरह से जो है ये फर्स्ट जो है अश्वेत मेयर होंगी सैन फ्रांसिस्को की। और USA के अंदर जो नंबर ऑफ स्टेट हैं वो हैं 50, जैसे इंडिया के अंदर 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरेटरी हैं, उसी तरह से USA के अंदर स्टेट हैं 50। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने 7 ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च 7-स्टार ग्राम पंचायत रेनबो स्कीम? तो ये रेनबो स्कीम जो स्टार्ट की है ये हरियाणा के राज्य ने की है, यानी कि अब ये हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है 7 जो है प्रोग्राम देंगे। 7 प्रोग्राम मतलब क्या है कि 7-स्टार प्रोग्राम होंगे, जो 7 के साथ जो है अलग कलर होंगे, यानी कि भाई इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं ना, उस तरह से जो है 7 कलर्स के अंदर होंगे, और हर एक चीज़ जो है पैरामीटर अलग अलग होगा, तो जो भी उस पैरामीटर के अंदर खरा उतरेगा उसको एक पॉइंट दिया जाएगा, जो नहीं उतरेगा उसका वो पॉइंट नहीं होगा, और जिसके पॉइंट ज़्यादा होंगे उसको जो है बेस्ट जो है ग्राम पंचायत का अवार्ड जो है दिया जाएगा। तो ये जो स्टार्ट की स्कीम ये हरियाणा ने की है, बेसिकली इसका काम क्या है, सोशल जो है चीज़ें सुधारना, एजुकेशन के ऊपर काम करना, एग्रीकल्चर के ऊपर काम करना, तो ये चीज़ जो है सुधारना है। उसके बाद है 2018 की मिस इंडिया कौन बनी है? तो मिस इंडिया बनी है अनुकृति वास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे मिस वर्ल्ड थी वो थी मानुषी छिल्लर थी, और मिस इंडिया जो रही हैं वो रही हैं अनुकृति वास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मोबाइल ऐप आई हरियाली? तो आई हरियाली नाम की जो ऐप है वो कौन सी गवर्नमेंट ने जो है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च की है? तो ये की है पंजाब गवर्नमेंट ने। PPSC का एग्जाम है भाई पंजाब के लिए, ध्यान रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन ये। इसके अंदर बेसिकली फ्री के अंदर जो है 25 पेड जो है डेली जो है आप लोग जो है रजिस्टर करते कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो ऐप है ये स्टार्ट की है पंजाब गवर्नमेंट ने। इसके बाद क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग करना है अपने को,
ये तीन इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी जो इस मंथ के अंदर हुई थी, तो ये कहाँ कहाँ पे हुई थी इसको हमने मैच करना है। तो जो G7 की मीटिंग हुई थी वो कनाडा के अंदर हुई थी, और जो SCO मीट हुई थी वो किंगडाओ जो है चाइना के अंदर हुई थी, और जो किम और ट्रंप की जो ऐतिहासिक मीटिंग थी वो हुई थी सेंतोसा आइलैंड में, जो कि एक सिंगापुर की टेरिटरी है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए का बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, देख लीजिएगा आप लोग भी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पक्का आने के चांसेस हैं। उसके बाद है विच कंट्री विदड्रॉ फ्रॉम UNHRC, यानी कि UNHRC जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है वहाँ से कौन सी कंट्री ने अपना नाम वापस ले लिया है, विदड्रॉ कर लिया है, तो ये किया है नन अदर देन USA। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये पहले बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बाद में इसके राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने आने के बाद ना इसके अंदर काफ़ी चेंजेस किए हैं हर एक चीज़ के अंदर, जैसे पेरिस जो है क्लाइमेट एग्रीमेंट था उससे बाहर हो चुके हैं, ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर हो चुके हैं, यूनेस्को से बाहर हो चुके हैं, और अभी कुछ दिन पहले खबर भी आई थी कि WTO से भी बाहर होने वाले हैं, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर। बट आज एग्जाम में, आज ही न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है बेसिकली छोड़ दें, क्योंकि इनको सिर्फ ना ये कैपिटलिस्ट अप्रोच जो है अपना रहे हैं, यानी कि किस तरह से मेरा देश का फ़ायदा हो, कैपिटल इकोनॉमिकली फ़ायदा कैसे हो, किसी तरीके से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिकली फ़ायदा देख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होता आगे। उसके बाद है विच सिटी अवार्डेड है स्मार्ट सिटी इन इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018, यानी कि 2018 के अंदर स्मार्ट सिटी का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है सूरत को। क्लीनेस्ट सिटी नहीं पूछा है, क्लीनेस्ट सिटी की बात आएगी तब इंदौर का नाम आएगा, याद रखिएगा ये बात को, क्लीनेस्ट सिटी होगी तो इंदौर का नाम है, वरना जो है स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी का अवार्ड जो मिला है वो मिला है सूरत को, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सूरत। उसके बाद है वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर फॉर ह्यूमैनिटेरियन फोरेंसिक लॉन्च डाउन विच सिटी, तो ये बना है, ये बना है गुजरात सिटी के अंदर, मानवता फोरेंसिक के लिए दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना है गुजरात के अंदर। विच इंडियन स्पोर्ट पर्सन हैज अवॉर्डेड विद द स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2017, इनके स्पोर्ट्स के अंदर जो इलस्ट्रेटेड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ का ईयर का अवार्ड मिला है, ये मिला है श्रीकांत कादम्बी को, और ये बिलोंग करते हैं बैडमिंटन से, क्योंकि इन्होंने लास्ट ईयर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 4 से 5 जो इन्होंने टाइटल जीते थे, और इन्होंने जो अभी अभी रिसेंटली जो हुआ था हमारा कॉमनवेल्थ गेम, तो वहाँ भी बहुत अच्छा परफॉर्म इन्होंने किया था, तो इसलिए जो है इनको ये अवार्ड मिला है। उसके बाद है विच सिटी हैज सेट ए गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल परफॉर्मिंग योगा एट वन प्लेस एट अ सेम टाइम ऑन 2018 इंटरनेशनल योगा डे। सबसे पहले इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, तो ये जो परफॉर्म किया, ये जो किया था इकट्ठे मिल के लोगों ने किया था कोटा के अंदर, कोटा कर देना, या फिर राजस्थान का ऑप्शन आए तो राजस्थान पे टिक कर देना, तो उन्होंने जो है एक साथ इकट्ठे करने का जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया है। तो इस बार हो सकता है कि इसकी थीम भी पूछ लें, तो इस बार की थीम थी योगा फॉर पीस, ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। 21 जून को मनाया जाता है, और 21 जून को ही वर्ल्ड म्यूज़िक डे मनाया जाता है, वर्ल्ड म्यूज़िक डे। उसके बाद है विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ बीन कन्फर्ड एज स्कॉच बेस्ट परफॉर्मिंग सोशल सेक्टर मिनिस्ट्री अवार्ड, तो ये मिला है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को। उसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू स्कीम पानी बचाओ पैसा कमाओ टू चेक द डिप्लेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, तो ये स्कीम भी जो है पंजाब ने की है, जो कि PPSC के लिए हमें इंपॉर्टेंट बन सकती है। ये पानी बचाओ पैसा बचाओ, यानी कि बेसिकली ये हुआ है कि ये किसी चीज़ को परफेक्टली यूज़ कैसे कर सकते हैं। परफेक्टली यूज़ का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि किसी चीज़ का यूज़ जो है, यूज़ होना और परफेक्ट यूज़ होने में ना काफ़ी फ़र्क है। यूज़ में तो यह है कि पानी को जो है वेस्ट भी चला सकते हैं, लेकिन परफेक्ट यूज़ के अंदर पानी की वेस्टेज जो है बहुत ही कम होगी, और ये जो स्कीम स्टार्ट की है पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। उसके बाद है विच कमेटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द UN गवर्नमेंट टू ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर द मेट्रो रेल सिस्टम। मेट्रो रेल सिस्टम के अंदर जो है ये कमेटी बनेगी क्यों, ये बनेगी इसलिए सो दैट के जो नई मेट्रो बन रही हैं आजकल दिल्ली के अंदर, जो ये चीज़ तो बढ़ती जा रही है, तो उसके अंदर जो है आउटपुट की जो है ज़्यादा आए, और इनपुट पे खर्चा जो है खर्चा कम, मतलब कम कैसे आए उस चीज़ को, और उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको कैसे कम किया जाए सो दैट के मैक्सिमम बेनिफिट उससे लिया जा सके, तो उसके लिए कमेटी बनेगी ई श्रीधरन कमेटी, और ई श्रीधरन को जो है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, मेट्रो मैन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक पार्ट भी बन सकता है इससे, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ बीन कन्फर्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर एट 52nd स्कोच समिट 2018, तो ये मिला है राजस्थान को, राजस्थान की वसुंधरा राजे को, इन्होंने ई गवर्नेंस में से काफ़ी अच्छा काम किया है, तो इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। उसके बाद है विच कंट्री टू होस्ट 2018 ICC वुमेन वर्ल्ड कप टूर्नामेंट,
तो जो T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होगा वुमेन के लिए, तो इसको होस्ट करेगा वेस्ट इंडीज करेगा होस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो स्टार्ट होगा ये नवंबर में अंदर जो है ये वर्ल्ड कप जो है स्टार्ट होगा। हु हैज़ बीन क्राउंड एज इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल क्वीन, यानी कि जो फर्स्ट ट्राइबल क्वीन है, इनके जनजातीय रानी जो का नाम मिला है, तो ये मिला है पल्लवी दुरुआ को। फर्स्ट मिस इंडिया नहीं है, फर्स्ट ट्राइबल क्वीन है, क्योंकि अभी नई मूवी एक शॉर्ट मूवी बनाएंगे जिसके अंदर कि ये लोग काम करेंगे और ट्राइबल के ऊपर जो है कि लोग कैसे जीते हैं, ट्राइबल जिंदगी कैसे जीते हैं, उसके ऊपर जो है ये मूवी बनाएंगे। उसके बाद है विच बॉलीवुड पर्सनैलिटी हैज़ बीन कन्फर्ड विद द फ्रेंच डिस्टिंक्शन ऑफ नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड लेटर, तो ये जो अवार्ड मिला है ये मिला है कल्कि कोचिन को। इन्होंने काफ़ी बॉलीव्यूड के अंदर काफ़ी मूवीज़ बनाई हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इनको जो है काफ़ी सारे लैंग्वेज के अंदर जो है रुचि है और ये काफ़ी लैंग्वेज बोल भी लेती हैं। उसके बाद है ये कुछ जो है ग्रोप्री हैं, यानी कि F1 फार्मूला 1 रेसिंग की जो कार हैं उनके रिजल्ट हैं। स्पेनिश ग्रोप्री जीती है लुइस हैमिल्टन ने, ये मर्सिडीज की कार चलाते हैं, और अजरबैजान जीती है वो भी लुइस हैमिल्टन ने, और जो बहरियान है ये सेबेस्टियन वेटल ने, और कनाडा ग्रोप्री जीता है सेबेस्टियन वेटल ने। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर लिख के लिख रहे हैं तो आप लोग उसको लिख भी सकते हैं। उसके बाद है विच विलेज पंचायत ऑफ हरियाणा हैज़ पास्ड ए रेजोल्यूशन नो टॉयलेट नो ब्राइड, यानी कि अगर टॉयलेट नहीं होगा तो उस घर में शादी नहीं होगी। तो ये जो चीज़ रेजोल्यूशन पास किया है ये हरियाणा के कौन सी विलेज पंचायत ने पास किया है, तो ये किया है गोडीगन का जो पंचायत है उसने जो है ये पास किया है। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, सो दैट के जिसके घर में टॉयलेट नहीं होगी उसमें घर में जो है शादी नहीं होगी, वहाँ पे दुल्हन नहीं जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि ये जो है वुमेन सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है, वुमेन सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव जो है इस स्टेट की मतलब इस पंचायत ने लिया है। हु हैज़ बीन स्वोर्न इन एज फर्स्ट एवर विजुअली इम्पेयर्ड जज ऑफ पाकिस्तान, तो ये जो है पाकिस्तान के यूसुफ सलीम है, यानी कि पहले दृष्टिहीन विकलांग हैं जिनको कि एक सिविल कोर्ट के अंदर जो है एज ए जज जो है अपॉइंटमेंट इनको मिली है। तो काफ़ी एक तरह से बोला अच्छी बात भी है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, क्योंकि इनको नॉलेज तो है ही है लेकिन बात वही है देख नहीं पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन सुन तो सकती हैं। उसके बाद है विच स्टेट पुलिस बैग द गोल्ड मेडल इन 52nd, हमें तीन अवार्ड देखने हैं, बेस्ट मिनिस्ट्री का अवार्ड किसको मिला, बेस्ट सीएम का अवार्ड किसको मिला, और जो है बेस्ट पुलिस का अवार्ड किसको मिला। तो बेस्ट पुलिस का अवार्ड मिला है नन अदर देन उड़ीसा पुलिस को। उसके बाद है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंकिंग ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, तो इंडिया की जो रैंकिंग है यह है इसके अंदर 35 है, ये पिछले साल जो थी 40 थी अब घट के जो है 35 हो गया, जो कि एक अच्छी बात का संकेत देता है। उसके बाद है विच कमेटी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू स्टडी इशू रिलेटेड टू द फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट एट उज्जैनी डैम, तो ये जो कमेटी बनी है ये बनी है सतीश चौहान कमेटी बनी है, जो कि इसके अंदर बेसिकली हर महीने जो है वाटर का लेवल क्या है डैम के अंदर वो जो है चेक करती रहेगी। तो ये जो कमेटी बनी है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव की है, इसका नाम है सतीश चौहान कमेटी। और जो अभी आईफा अवार्ड्स के आए हैं, तो बेस्ट मूवी मिली है तुम्हारी सल्लू को, बेस्ट एक्ट्रेस मिला है श्रीदेवी को मॉम मूवी के लिए, और बेस्ट एक्टर मिला है इरफान खान को हिंदी मीडियम के लिए। इसके लिए तीनों ही मूवी काफ़ी अच्छी हैं, टाइम लगे तो आप लोग देख लीजिएगा और इसको रट लीजिएगा कि बेस्ट मूवी किसको मिला है, बेस्ट एक्टर किसको मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है। तो ये जो था आपका लास्ट क्वेश्चन था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे को आप लोग इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भी जो है फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।